हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये कनेर का प्लांट है जिसकी प्रूनिंग करना मैंने बताया था आप लोगों को, और आज मैं इसकी कटिंग लगाने जा रही हूं। तो कटिंग करना और कटिंग लगाना दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोग पता होना चाहिए कि कटिंग कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग निकालेंगे, और ये देखिए हम इस कटिंग को निकालेंगे। ये थोड़ी मोटी है इसीलिए मैं इसको निकालूंगी। हालांकि मेरे पास कटिंग, मैंने इसकी प्रूनिंग किया था तो मेरे पास अभी भी रखी हुई है, तो एक कटिंग में आप लोगों को काट के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो ये पत्ती निकलने का जो स्प्राउट होता है इसका, वहाँ के थोड़ा सा नीचे काटेंगे इसका, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, ये जो स्प्राउट है इसका, पत्ती निकलने का नया पत्ता यहीं से शुरू होता है, तो उसका थोड़ा सा नीचे भाग हम काटेंगे। तो ये यहाँ से ऐसे हम देख सकते हैं, ये काट लेंगे, ठीक है ये। और एक कटिंग में ये भी निकालूंगी, यहाँ से ये भी मैं ऐसे ही निकालूंगी। ये पत्ता मेरा निकला हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये पत्ता निकला हुआ है, और मैं बिल्कुल थोड़ा सा नीचे काटूंगी इसके। तो ये काट लिया मैंने, और चलिए मैं आप लोगों को कटिंग बताती हूँ कि कैसे लगाई जाती है कनेर प्लांट की। इसकी मैंने प्रूनिंग किया था, हार्ड प्रूनिंग, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों, ये कटिंग मैंने निकाली है। सबसे पहले इस कटिंग के नीचे के जो पत्ते हैं वो हटा देने हैं, यहाँ तक ये वाले तीन पत्ते नीचे के हटा देने हैं। तो इनको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। ये देखिए, ये जो पत्ती निकलने का नया स्प्राउट होता है वो 1 इंच हम मिट्टी में दबाएंगे। और तो दोस्तों, ये मैंने कटिंग निकाली थी, पहले की भी रखी थी, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए दो कटिंग मैंने और निकाल लिया है। तो इस कटिंग को मैं लगाना बताऊंगी। सबसे पहले नीचे के सारे पत्ते हटा देना है, अगर पत्ते हैं उसमें तो, क्योंकि कोई भी पत्ता पानी से टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा तो उसमें फंगल लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और इस कटिंग को मैं अब लगाना आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं। इसके लिए आप जो भी मिट्टी लें वो, तो इस कटिंग को मैं लगाना बताऊँगी आपको। ये देखिए, इतनी मोटी भी मैंने निकाली है, ये वाली मोटी है। हार्ड भी प्रूनिंग किया था और सॉफ्ट भी किया था, तो मैंने ये डंडिया मैंने जो है पानी में डाल के रख दिया था। मॉर्निंग से ये पानी में पड़ी हुई हैं, तो मैं इनको अब लगा दूंगी। और जितना पानी इनको चाहिए था वो नीचे से ये अपना ले चुकी हैं, क्योंकि सुबह मैंने प्रूनिंग किया था, और प्रूनिंग के बाद ही मैंने इनकी कटिंग को तुरंत पानी में छोड़ दिया था। तो अब ये लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं इनको लगाना बताऊँगी आप लोगों को। इसमें हार्ड भी प्रूनिंग किया था, इतनी मोटी देख सकते हैं आप लोग, और अभी मैंने ये वाली किया है, तो ये मैं लगाना बताऊंगी आपको। और अब ये इतनी सारी कटिंग मैंने निकाल लिया, उसकी पूरी की पूरी मैंने जो पेड़ की प्रूनिंग किया है, तो मैं सोच रही हूँ फेंकने से अच्छा है मैं लगा ही देती हूँ। कुछ ना कुछ तो चली जाएंगी, निकलेंगी तो है ही है, और 100% भी नहीं हूँ, क्योंकि पूरी कटिंग, जो भी कटिंग लगाते हैं तो उसके लिए 100% होते भी नहीं हम। और ख़ासकर जिनको प्लांट का शौक़ होता है वो तो एक डंडी भी अगर निकालते हैं तो सोचते हैं मैं इसको लगा दूं कहीं, तो उसमें भी शायद नया स्प्राउट निकल आए। तो मैं सारी डंडियां लगाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं जो भी मिट्टी लूँगी, तो दोस्तों ये मैंने कटिंग निकाली थी, इसके लिए देखिए मैंने ये, मेरे पास पॉट तो है नहीं मिट्टी वाले, तो मैं अभी कटिंग है तो मैं कटिंग इसी में लगाऊंगी। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, उनका भी पॉट बहुत अच्छे से बन जाता है, आप कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी थी मिट्टी तैयार, क्या मैंने पहले जो कटिंग लगाई है उसी की मिट्टी थोड़ी बच गई थी, तो मैंने इसमें भर के रख दिया था कि कोई भी कटिंग होगी तो मैं इसी में लगाऊँगी। तो अब इसमें पानी निकल रहा है, क्योंकि ये बारिश में ऐसे ही रखे हुए थे, और कल आंधी तूफान भी काफ़ी आया था, पानी उसका भी वीडियो मैंने बना के डाला था, तो पानी मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो गया है, तो ये वही निकल रहा है, और धूप निकली नहीं है। अभी भी मौसम काफ़ी बदली सा है। ये देखिए,
मौसम काफ़ी बदली बदली सा है, बिल्कुल भी मतलब धूप नहीं है इस समय और काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम है। तो मैंने सोचा कि जो है अगर प्रूनिंग किया है तो उसकी कटिंग को फेंकना कोई ज़रूरी नहीं है, उसकी कटिंग को आप लगा सकते हैं। और इसलिए ज़्यादा कटिंग हो गई ना ये, कि जो प्रूनिंग किया था उसी की कटिंग है, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा लग रही होंगी। मैं सब कटिंग लगाऊंगी, इसमें से कुछ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी 100% तो मैं श्योर हूँ नहीं। तो दोस्तों काफ़ी जो है मतलब जो है मौसम अच्छा है इस समय और काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी जो है बदली सी है, बूंदाबांदी भी हो रही थी, इसीलिए जो है मैंने सोचा कि अगर प्रूनिंग किया है तो मैं उसकी कटिंग को आप लोगों को दिखाती हूँ कि कटिंग कैसे लगाई जाती है कनेर प्लांट की। तो मैंने जो है कटिंग निकाली है तो उनको भी लगाना भी अभी बताऊँगी आप लोगों को। तो अपनी मैं कटिंग ये कटिंग रखी हुई है, उनके लिए मिट्टी भी मैंने तैयार कर लिया है। इनकी मिट्टी में क्या करना है कि जो है एक भाग मैंने जो है इसमें वो कोकोपीट लिया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा बालू मिट्टी है, और थोड़ा सा अपने जो गार्डन की सॉइल जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं वो वाली है, और थोड़ा सा परलाइट भी मिला हुआ है जो वाइट कलर का इसमें दिख रहा है। ये देखिए पास से दिखाते हैं, ये परलाइट है। तो ये मिट्टी मेरे रखे हुए थे मेरे पास, तो इसी में कटिंग लगा दूँगी क्योंकि मेरे पास और पॉट है नहीं, तो अभी तो फ़िलहाल मैं कटिंग इसी में लगाऊँगी। और दोस्तों इसकी कटिंग भी बहुत इजी टू ग्रो कर सकती है, आसानी से कर सकती है, आप रूटीन हार्मोन्स पाउडर लगाएं या ना लगाएं। और ज़्यादा अगर मतलब जैसे हार्ड होती है तो आप लोग पॉली बैग से उसको जो है पूरा कवर कर सकते हैं, जैसे कटिंग लगा दिया तो ऊपर पॉली बैग आप नीचे बांध दीजिए, उसको बंद कर दीजिए मतलब, तो उसके अंदर इतनी हीट बन जाती है, इतना उसके अंदर नमी रहती है कि पानी जल्दी मिट्टी ड्राई नहीं होती है जल्दी। और आजकल तो मौसम थोड़ा ठीक है तो मिट्टी ड्राई नहीं होगी, मिट्टी में थोड़ा सा नमी बनी रहेगी तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। तो मैंने सोचा कि ये कटिंग मैं लगा के आप लोगों को दिखाती भी हूँ और बताती हूँ। दोस्तों प्रूनिंग करने से क्या होता है कि हमारा प्लांट भी अच्छा हो जाता है और जो कटिंग निकलती है उसको कटिंग के तौर पे आप लगा भी सकते हो, तो हमारे दोनों काम हो जाते हैं, एक प्लांट से दो प्लांट भी तैयार हो जाते हैं। अब इतनी सारी कटिंग मैं इसलिए लगाने जा रही हूँ कि शायद इसमें कुछ कटिंग लगे और कुछ ना लगे, तो मैं सभी कटिंग लगाऊँगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, तो मोटी भी है पतली भी है, और इन्हीं सबको मैं इन्हीं तीनों पॉट में लगाऊंगी, एक में सॉफ्ट लगाऊंगी, एक में हार्ड लगाऊंगी और एक में बिल्कुल मीडियम साइज़ की लगाऊंगी। तो ये मेरी कटिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैंने इनको छोटी ही रखा है, ये देखिए इतनी बड़ी तो चल जाती है, यह 4 से 5 इंच की है, और ये वाली तो हमको लगता है कि 2 से 3 इंच की होगी, निकलती है कि नहीं, और पतली भी लगाऊंगी। ये देखिए सबसे अच्छी कटिंग मुझे ये लग रही है, काफ़ी कुछ बिल्कुल पत्तियों से भरी हुई है, मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी, इसकी पत्तियां हटाऊंगी नहीं क्योंकि ऊपर की पत्तियां वैसे भी कटिंग में नहीं हटाई जाती हैं, क्योंकि देखिए इसमें रूट्स तो है नहीं, तो नीचे से उनको कुछ नहीं मिलना है, खाना पीना जो भी इनका न्यूट्रिशन होता है वो ऊपर ही से मिलेगा, यही पत्तियाँ देंगी इनको, तो हम ऐसे ही लगाएंगे, जो पत्तियाँ ख़राब होनी होंगी हो जाएंगी, जो सही चलनी होंगी वो सही रहेंगी। और आप यकीन मानिए कनेर का जो प्लांट है काफ़ी खूबसूरत लगता है दोस्तों, और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये कटिंग काट के वही 15 मिनट के लिए आप किसी बाउल में पानी भर लीजिए या छोटे से बोतल में या कटोरे में पानी भर लीजिए, उसमें आप 15 मिनट के लिए ये जो है उसमें डुबो दीजिए, ये वाला इतना भाग कम से कम पानी में डूबना चाहिए, उसमें रख दीजिए, 15 मिनट बाद आप इसको लगाइए, तो जितना अंदर जो मॉइस्चर बना है वो बना रहेगा और जितना पानी इसको जो है जॉब करना होगा वो कर लेगा। तो इस तरह इसकी कटिंग हम लगाना आप लोगों को बताएंगे। इस वाली कटिंग की कुछ पत्तियां मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही हैं तो मैं इनको हाफ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये जो कटिंग 4 हैं ये ज़्यादा हार्ड हैं, देखिए ज़्यादा मोटी हैं, इनको मैं अलग पॉट में लगाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लेना है और इसको दबा देना है, जहाँ से मेरा पत्ते का नया स्प्राउट निकलता है वो 1 इंच हमें मिट्टी में दबाना ही है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग, 1 इंच दबा दीजिए, 1 इंच से ज़्यादा मत दबाइए।
ये देखिए इस तरह से आपको कर देना है। और फिर जो मीडियम साइज़ की हैं ये वाली, ये भी मैं लगाऊंगी तो इसमें लगाऊंगी, इसमें बस ऐसे ही लगा देना आपको, ऐसे लगाते जाइए। रूटीन हार्मोन्स पाउडर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लगाएं, ये ऐसे भी चल जाती, जब इनकी ग्रोथ होगी तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, देखिएगा ये ऐसे ही लग जाती हैं, बहुत आसानी से लग जाती हैं। तो इन तो दोस्तों कोई भी आपकी अगर जो है कटिंग ज़्यादा ढीली लग रही है तो उससे थोड़ा सा कोई पुरानी एक इस तरह की पतली सी डंडी ले लीजिए, उसको सपोर्ट में खड़ा कर दीजिए तो वो लग जाती है। जैसे ये देखिए है, तो अब इसमें मैं ये देखिए ये डंडी है, इसको मैं सपोर्ट में खड़ा कर दूँगी और ये तब जो है सही हो जाएगी। ये देखिए तो इस तरह से लगा देंगे इसको। अब मैं जो ये सॉफ्ट वाली हैं बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, इनको भी मैं लगाना बताऊंगी, इनको भी ऐसे ही लगा देनी है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे आप लगाते जाइए। अब ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि जो कटिंग हम लगा रहे हैं वो सारी की सारी कटिंग हमारी ग्रो कर जाए, इसमें से कुछ नहीं निकलेंगी, कुछ निकलेंगी, कुछ ख़राब हो जाएंगी, कुछ हमारी कटिंग अच्छी चल जाएंगी। तो इसीलिए मैं सब सारी कटिंग लगाऊंगी, जितनी भी निकलनी होंगी निकलेंगी। इसीलिए कटिंग जो है हम हमेशा बताते हैं सिर्फ एक या दो कटिंग ना लगाएं, जब भी लगाएं 3 से 4 या 5 कटिंग ज़रूर लगाएं, उनमें से आपको 2 तो ज़रूर मिलेंगी। तो इतने प्लांट में हम सोच रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 कटिंग चलेंगी, लेकिन फेंकना मुझे पता नहीं क्यों, कटिंग हो या प्लांट हो कोई भी फेंकना अच्छा नहीं लगता है, मैं लगाती ज़रूर हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, मैंने सारी कटिंग लगा दिया है, सिंपल सी कटिंग लगाना है, काट लेना है, उनको मिट्टी में दबा देना है। आप लोग सिंपल सी मिट्टी ले सकते हैं, अपने गार्डन की सिर्फ मिट्टी ले लीजिए, उसमें भी लगा दीजिए, तब भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी में कुछ भी मिलाइए, अगर नहीं है सिंपल सी मिट्टी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाल लीजिए, वर्ली कंपोस्ट जो गोबर की खाद होती वो मिला लीजिए थोड़ा सा, वो भी उस जो मिट्टी में आप बना लीजिए, दोनों का मिक्सर तैयार कर लीजिए, उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, मेरे पास तो रखा हुआ था पहले का तो मैंने लगा दिया, मेरे पास अब मैं मिट्टी बनाना भी नहीं चाह रही थी कि बनाऊँ, तो सिंपल ये मिट्टी बनी रखी थी तो मैंने उसी में लगा दिया है। तो दोस्तों इसको ऐसे एरिया में रखेंगे कटिंग को अपनी, जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो लेकिन डायरेक्ट धूप ना लगती हो ज़्यादा, क्योंकि रूट्स हैं नहीं, अगर धूप में रखेंगे तो आप इसकी कटिंग फेल हो जाएगी, चलेगी नहीं, क्योंकि इसकी मिट्टी में जब तक ये इसमें नया स्प्राउट नहीं निकलता है तब तक इसकी मिट्टी में थोड़ा सा नमी होनी चाहिए, और अगर हम धूप में रख देंगे तो इसमें मिट्टी ड्राई हो जाएगी और जो है फिर कटिंग आपकी फेल हो जाएगी। तो इसको ऐसे एरिया में रखेंगे जहाँ पे थोड़ा सा मतलब नमी हो और धूप ना आती हो डायरेक्ट, डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये प्लांट हमारा मतलब कटिंग नहीं चलेगी, ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पे धूप ना डायरेक्ट पड़ती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, मतलब रोशनी चाहिए इसको, रोशनी चाहिए लेकिन इसको धूप नहीं चाहिए। तो इसमें मैं पानी डाल दूंगी क्योंकि ये मिट्टी मेरी बिल्कुल सूखी है, और थोड़ा सा पानी इसमें भी देना है क्योंकि जो भी थोड़ा सा एयर होगी ना वो बंद हो जाएगी, तो पानी इसमें डाल दीजिए, अच्छे से पानी दे दीजिए, क्योंकि अब इसमें पानी जल्दी नहीं डालना है, पानी तब तक नहीं डालना है तब जब तक इसमें नई ग्रोथ शुरू ना हो जाए। तो इसका जब इसकी ग्रोथ होगी तो आप लोगों को वो भी वीडियो हम बना के दिखाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे मतलब इसकी कौन सी कटिंग लगी कौन सी नहीं लगी,
मैं हमेशा जब भी प्रूनिंग करती हूँ तो कम से कम 5-6 कटिंग 10 कटिंग तो लगाती हूँ कि कोई तो चलेगी, एक तो मिलेगा मुझे प्लांट उसमें से, तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये कटिंग हमारी अच्छी भी लग रही थी, ये कटिंग छोटी छोटी सी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने सोच रखा था मैं सारी लगाऊंगी, अगर लग गया तो ठीक है और नहीं लगा तब भी ठीक है, एक तो लगेगी ना। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को कनेर प्लांट की कटिंग बताई, और आप लोग इसी तरह इसकी कटिंग लगाइए और उसको शेडी एरिया में रखिए जहाँ पे रोशनी आती हो लेकिन डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो। तो दोस्तों आज मैंने इसकी कटिंग लगाना आप लोगों को बताया, आप बिल्कुल सिंपल सी मिट्टी में इसको दबा दीजिए, मिट्टी में तब भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है। और सिर्फ आप जो है गोबर की खाद और मिट्टी ले लीजिए, दोनों का मिक्सर बना लीजिए और उसी मिक्सर में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मेरे पास बना रखा था, पहले की मिट्टी थी तो मैंने लगा दिया, आप लोग सिंपल सी मिट्टी में लगा दीजिए तब भी लगेगी, ज़रूर लगेगी, 100% लगेगी। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को कनेर की प्लांट की आप लोगों को कटिंग लगाना बताया है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।